सबसे ज्यादा इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है, बूट स्पेस। अच्छा। जो इवन क्रेटा से भी 10 लीटर ज्यादा की कैपेसिटी है, बूट कैपेसिटी। अगर आप क्रेटा की रेंज देखेंगे तो 13 से 14 लाख के सुनते हैं, तो एज ए इंडियन मेंटलिटी में हमारा सेम मेंटलिटी होता है। नमस्कार दोस्तों, एक नए फ्रेश वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं, मैं आपका होस्ट भरत। तो भाई आज आ चुका हूं मैं काफी टाइम बाद एक नई वीडियो के साथ। तो भाई आज है हमारे साथ निशान की मैग्नाइट। तो आपको पता होगी निशान मैग्नाइट अभी हाल ही में लॉन्च हुई है कुछ टाइम पहले। तो हमारे साथ उनके ऑनर हैं अनुपम सर, जो एयरफोर्स में जॉब करते हैं। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया। सर से बात करते हैं जरा निशान मैग्नाइट के बारे में कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और कितने की इन्हें पड़ी और इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते हैं, वो सारी बात करेंगे। वीडियो में बने रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये है निशान मैग्नाइट का कुछ अंदर से डैशबोर्ड, और ये देख लो यहाँ पे ये म्यूजिक स्टीरियो सिस्टम है। तो सर से जान लेते हैं, सर ये निशान मैग्नाइट का कौन सा वर्जन है, ये कौन सा है? ये निशान मैग्नाइट का XMT वर्जन है, जो जस्ट एक बेस मॉडल से जस्ट ऊपर की मॉडल है। ओके। आपको कितना टाइम हो गया सर ये से लिए हुए? इस गाड़ी को लिए हुए मुझे आज 20 डेज हो गए हैं। 20 डेज हो गए हैं। तो आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले मैं हुंडई की सेंट्रो गाड़ी चलाता था। अच्छा, वो आपकी फर्स्ट गाड़ी थी? वो मेरी फर्स्ट गाड़ी थी। अच्छा, कितने टाइम तक चलाई है आपने उसको? हुंडई की सेंट्रो जस्ट लास्ट ईयर, तो 2 ईयर से उसकी वारंटी समाप्त हुई, इट मींस मैंने 10 ईयर्स के करीब में उसको चलाया था, जैसे रनिंग 5 ईयर्स का, और घर पे ही छोड़ दिया था। ओके, ओके। तो अभी उसकी समाप्त हो गई। अच्छा ठीक है। तो सर निशान मैग्नाइट के अलावा जब आप ये देख रहे होंगे तो आपने और भी गाड़ियां देखी होंगी, तो आपने निशान मैग्नाइट के अलावा जैसे टाटा की पंच है वो भी है, तो आपने निशान मैग्नाइट को ही क्यों लिया? सबसे पहले बात की जब हम गाड़ी चुनते हैं तो एज ए इंडियन मेंटलिटी में हमारा सेम मेंटलिटी होता है, जैसे हम उसी के तरीके से जाते हैं। जैसे हमने अभी शुरू किया था तो हम मारुति की ही गाड़ियां से शुरू किए थे, हुंडई जो कि भारत में प्रोबेबिलिटी पे गाड़ियां चल रही है, तो हमारे पसंद भी ब्रेजा थे। इट मीन्स टाइम हमने, मेरे दोस्त ने निशान मैग्नाइट खरीदा, और जब हम मैंने उनके साथ बैठ के अंदर इंटीरियर फीचर देखा तब मुझे पसंद आया कि एक गाड़ी है जो एक अपने रेंज में आ रही है, और एक रेंज के जब हम खरीदते हैं कोई गाड़ियां तो उसके हिसाब से आप अपना इकोनॉमिक कंडीशन को अपना बजट करते हैं, तो ये मुझे गाड़ी बजट के हिसाब से फाइनली लगी। और एज ए SUV लुक थी, पहली गाड़ी मेरी SUV थी नहीं, तो मुझे एक SUV भी चाहिए थी, और एक कंपैरिजन में एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो कम लो बजट की। तो मेरे जो सारे फीचर दे रहे थे, सारे ऑटोमेटिक फीचर इसमें। फीचर्स में बात करें तो आपको इसमें क्या क्या मिल जाता है? थोड़ा सारे ऑटोमेटिक AC है, आप इसको नॉर्मल कंट्रोल करते हैं, इसमें ऑटोमेटिक AC है, अगर आपने ऑटोमेटिक क्लिक कर दिया तो ये सारी गाड़ियों में नहीं है। इसके बाद इनके हर एक टायर में वो ऑटोमेटिक सेंसर लगा है, जिससे आपके प्रेशर की गाड़ियां बनाते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपके टायर में हवा कम है, है कि नहीं, ये सारी गाड़ियां इसमें पता लग जाती है, जैसे ये प्रेशर की वार्निंग देती है। पीछे सेंसर लगा रहता है, जो कि अमूमन आप देखेंगे महंगी महंगी गाड़ियों में, टोयोटा में देख सकते हैं, जो हेक्टर की गाड़ियां उनमें आती है। उन्होंने सारी फीचर और क्वालिटी आपके सारे इसके डैशबोर्ड स्मार्टली है, और जब गाड़ी ठीक है 1000 cc की गाड़ी है, 999 cc है, लेकिन ये है कि हमें वो सारी चीजें, वो खूबियां जो मिल जाती है, सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है, बूट स्पेस। अच्छा। जो इवन क्रेटा से भी 10 लीटर ज्यादा की कैपेसिटी है, बूट कैपेसिटी। अगर आप क्रेटा की रेंज देखेंगे तो 13 से 14 लाख की है। अच्छा। जबकि इसकी रेंज में इसमें 339, जैसे आपने क्रेटा का बताया 13-14 लाख के, तो आपको ये वाला कितने पड़ गया? ऑन रोड पे ये गाड़ी भारत नंबर लेने से मुझे कम पड़ गया है। अच्छा। क्योंकि भारत नंबर लेने में आपको 15,000 रुपए के करीब ही 2 साल में, क्योंकि एवरी 2 ईयर्स पे इसका रिन्यूअल देना पड़ता है। अगर हम एक बार में लेंगे तो हर एक स्टेट के हिसाब से, तो मुझे ये अगर हमने सारे फीचर लगा ले एक्स्ट्रा भी, जैसे मैंने सीटिंग अभी नहीं लगाया जी, तो भी मुझे ये 8 लाख के करीब में, 8 लाख में पड़ गई आपको? ओके, 8 लाख में ये आपको ऑन रोड पड़ गई? ऑन रोड पड़ गई। अच्छा, बात करें कि आपने इसके अलावा कोई पहले भी गाड़ी देखी थी? हाँ, इसके पहले मैंने गाड़ियाँ देखी थी, इसकी ब्रेजा जो मेरी सबसे पहली पसंद थी। ओके, मारुति मतलब की ब्रेजा। जाने के ब्रेजा और डिजायर, ब्रेजा और डिजायर। ओके, तो डिजायर तो मैंने छोड़ा क्योंकि मुझे फिर SUV लुक में जाना था, हैचबैक मॉडल में, हैचबैक में, तो हैचबैक लेना नहीं था क्योंकि, और घर में सारी गाड़ियाँ वही थी पहले से। तो एक थी नेक्सॉन की SUV थी, तो ऑलरेडी मैंने देख ली थी, क्योंकि नेक्सॉन की मेरे घर नेक्सॉन देखी थी आपने? हाँ, मेरे घर में थी, मैंने चलाकर भी देखी है, क्योंकि मेरे चाचा के अंकल के सारी गाड़ियाँ हैं, तो मैंने इसीलिए और अलग भी सोचा, हर गाड़ियाँ मेरे घर में है। अच्छा, जैसे नेक्सॉन की बात करी तो जैसे देखा जाता है कि टाटा की गाड़ी अपनी सेफ्टी रेटिंग के लिए बहुत मानी जाती है, ऑलमोस्ट इसमें भी अगर आप देखेंगे तो उनकी रेटिंग जो इससे ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब ऊपर में है। ओके, और इसमें भी सेफ्टी रेटिंग जो है आपका 4 सेफ्टी रेटिंग है। अच्छा, 4 स्टार, 4 स्टार रेटिंग है, तो आप देखेंगे तो इसमें आप ब्रेजा सबके बराबर 4 स्टार रेटिंग है, इवन उनसे अच्छी रेटिंग है। ओके, 5 स्टार रेटिंग सिर्फ अभी टाटा की गाड़ियों में आती है, नेक्सॉन और पंच।
हाँ जी हाँ जी हाँ, ये दोनों। तो अगर आप देखेंगे तो मुझे हर चीज वो मिल रहा है और उसके बाद इतने खर्चा करना, हाँ जी हाँ जी, तो आपको इसमें आपको 4-star रेटिंग मिल जाती है। हाँ अच्छा, सारे ऑटोमेटिक कंट्रोल है, सारे हैंडल कंट्रोल है, म्यूजिक सिस्टम भी आप जैसे भी करें, सारे चीज एवरीथिंग ओके। और सीटिंग की बात करें तो सीटिंग कंफर्टेबल कैसे आपको? कंफर्टेबल, बहुत अच्छे कंफर्टेबल है। आप पीछे भी देखिए कि इसमें ऑलमोस्ट 5 लोग अगर बैठेंगे तो पूरी तरह से स्पेसियस, बिल्कुल पूरी स्पेस मिल जाएगा आपको। और स्पेस अभी आपको दिखाएंगे, बूट स्पेस की बात, स्पेस तो सबसे ज्यादा अच्छा मेन ओके। और बाकी करें हेडरूम की बात करें तो काफी हेडरूम मिल जाता है। देखो आप देख सकते हैं, आपकी हाइट कितनी है सर? मेरी हाइट है 169। तो देखो आपको हेडरूम भी काफी अच्छा मिल जाता है और लेग भी आपको आराम से कंफर्टेबल बैठ पा रहे हैं। तो मैं आगे करके बैठा हूं ना, तो ये अगर पीछे आपकी चले, हां आराम से, अच्छा से आराम से, आराम से सेटिंग अच्छा है। तो अभी मैं जैसे बैठा हूँ तो मेरे को थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है इसमें, तो यहाँ पे थाई सपोर्ट मेरे को सही मिल जाता है। अच्छा अभी बात करें सर एवरेज की, तो आपने कुछ अभी तो चेक किया? शुरू में एवरेज करेंगे, लेकिन जो मैंने दोस्त के साथ जो एवरेज किया था, क्योंकि वो लंबा मार्केट अभी तो हम गए नहीं, तो ऑलमोस्ट उनकी घर के गए थे हरियाणा, तो उनके 18-20 का से ऊपर का माइलेज आया था। अगर लॉन्ग में जाएंगे, सिटी में चल रहे तो 15-16 का। अच्छा, एसी के साथ? एसी के साथ आपको 15 का एवरेज मिल जाता है। 15 से मोर देन 15 ऐसे समथिंग के करें। अभी भी मैं चला रहा हूँ तो 13.5 के करीब में अभी भी अच्छा दे रही है। इसमें 13 मतलब सिटी में आपको मिल जाता है। अभी मैंने अभी इसका कुछ कहीं किया नहीं, अभी तो जितने भी ब्रेकेज स्टॉपेज जितना भी चीज। अच्छा, आपने दिल्ली के बाहर सफर किया इसमें? अभी तक तो दिल्ली में बाहर सफर नहीं किया, इसलिए तो इसके एग्जैक्ट माइलेज अभी मैंने नहीं किया, उनकी गाड़ी से चेक किया है जिनके साथ मैंने पहले। ओके ओके, उसमें और बाकी इसमें आपको स्टीरियो में सारा ये सारा मिल जाता है, कंट्रोल स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाता है, आप सोर्स चैनल जो भी आप कॉलिंग ये हो फैसिलिटी सारा फैसिलिटी सारी फैसिलिटी मिल जाती है। सारा डैशबोर्ड पे आपका सिस्टम दिखाता है। अच्छा, ये देखो इसका डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का है और ये इसमें कुछ ऐसे दे रखे हैं सेटअप में। और ये एसी है, ऑटोमेटिक एसी है। जब भी इसकी मेन फीचर क्या है कि जैसे ही गाड़ी बढ़ेगी 5-7 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ेगी, ऑटोमेटिक लॉक कर देगा। अच्छा, मतलब आपके सेफ्टी की पूरी गारंटी। फिर जब तक इसको अनलॉक नहीं करेंगे इट विल नॉट बी, ये जस्ट ओपन। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन दे गए जैसे ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है गाड़ी चलते वक्त। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जस्ट बड़ी, वो सेफ्टी फीचर में आपको लॉक करके। ओके, अभी ये डोर लॉक हो गए हैं इसका? हां, अभी डोर लॉक हो गया था, अभी मैंने इसको अनलॉक कर दिया। ओके ओके, अभी जैसे अभी अनलॉक हो गया, अनलॉक सिस्टम। ओके ओके, बाकी और फीचर कुछ बताइए सर, और क्या होंगे? तो सारे नॉर्मली है, बाकी आपके सारे लगे हुए हैं चारों। ओके, और फुली एयर बैग की फैसिलिटी सिर्फ फ्रंट में ही है अभी, बैक। अच्छा, एयर बैग मिल जाते हैं आपको। हाँ, और ये इसका ग्लव बॉक्स है, देख लीजिए आप एक बार। ये ग्लव बॉक्स में भी अच्छा खासा स्पेस है भाई, स्पेस काफी ज्यादा है। हाँ, तो भाई स्पेस के मामले में तो बहुत सही है। मोबाइल चार्जर होल्डर सारे कुछ इस पे है कि मोबाइल आप यहाँ पे आपको मिल जाता है, प्लेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाता है होल्डर, ये भी कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पीछे मतलब साइड में आपको स्पेस काफी मिल जाता काफी है, स्पेस है। बाकी इसमें चार विंडो का सारे ऑटोमेटिक होंगे, फुली ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक है। ओके, और पीछे भी सर इसका चार्जर मिल जाता है क्या मोबाइल का? मोबाइल का चार्जर आपको बैक साइड में नहीं मिलेगा, बैक साइड में चार्जर आपके सिर्फ। अच्छा, आगे आगे मिल जाता है, अंदर डाल सकते हैं। ओके, आगे आगे आपको इसका चार्जर का पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा, ये तो रही सर सारी पॉजिटिव बात। अगर कुछ नेगेटिव, देखो ऐसा होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट कुछ ना कुछ चीज होती है कि कहीं ना कहीं होता है। नेगेटिविटी में एक चीज है कि इसकी अगर आप उसके टॉप मॉडल में जाएंगे तो फैसिलिटी उसने दिया है, क्योंकि अच्छा, ये जो सीट है वो हल्की आप लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे। ओके, लेफ्ट साइड में अगर थोड़ी सी कम हाइट वाली हमारे टाइप है तो लेफ्ट साइड में आपको बोर्ड डैशबोर्ड नीचे की क्लियरेंस नहीं दिखेगा। ओके ओके, दैट इज द मेन अभी तक जो मैंने चलाया। अच्छा, क्योंकि इसीलिए आपको हाइट का, और अगर टॉप मॉडल में जाएंगे तो सीट को एडजस्टेबल करने वाला ऊपर तक वाला है, जिससे आप एडजस्ट करके उधर देख सकते हैं। ओके, इसमें है सीट एडजस्टेबल का? सीट सिर्फ इसमें फ्रंट एंड बैक। अच्छा, फ्रंट एंड बैक। अब अगर इसके ऊपर अपर वर्जन में जाएंगे, टर्बो में जाएंगे, उसमें है वो, उसमें जाएंगे तो। अच्छा, टर्बो में उससे ऊपर में, टर्बो वाली, टर्बो नहीं है इसमें। ओके ओके, और इसमें हैंडलिंग का से होगा वो सेटिंग चेंज करने का, ऊपर नीचे है ना, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सारे ये है सिस्टम, ये आप हैंडल ऊपर, हैंडल ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं। बाकी सर एक चीज और थी, मैंने बहुत सारे देखे थे वीडियोस, उसमें बहुत सारे कस्टमर का ये कहना था कि उनका जो एसी है ना पीछे से गेट में, तो थोड़ी एसी की हवा बाहर को निकलती है,
मतलब कि कुछ कुछ ऐसा मैंने वीडियो देखा था, क्या आपने कुछ फेस की ऐसी प्रॉब्लम? नहीं, कि एसी की मतलब कि कूलिंग उतनी ज्यादा नहीं हो रही, ऐसा कुछ इस टाइप का? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे अभी तक कुछ कभी। ओके, अभी एक्चुअली सर को 20 दिन ही हुए हैं, तो 20 दिन में क्या ही पता चलेगा। अभी तक मुझे कुछ पता एक्चुअली। हाँ एक्चुअली में थोड़ा अगर 5-6 महीने बाद होगा तो उसके बाद ही वो बात पता पाएंगे। पीछे बैठ के भी अगर लोग बैठे हैं उनको बिल्कुल, वो मतलब सबके साथ नहीं हुआ है, बट काफी लोगों का ये कहना था कि पीछे एसी की मतलब थोड़ा बाहर हो जा रहे। तो अगर निशान मैग्नेट के कुछ है लोग तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको क्या इसके नेगेटिव थॉट भी लगे। और बाकी स्पेस की बात करूं तो स्पेस तो भाई काफी अच्छा मिल जाता है। अभी एसी नॉर्मल पे होगा सर? हाँ, ये नॉर्मल है। इसके अच्छा। बाद इसको कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेटिक, जब ये चलेगी गाड़ी तो ऑटोमेटिक ऑन ले लेगा वो। ओके, सीट बेल्ट लगा लेते हैं, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं आप सीट बेल्ट जरूर लगाया करो कि सेफ्टी पहले है। तो एक मिनट में पॉज कर, तो एक बार देख लेते हैं इसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इसमें ORVM सारे ऑटोमेटिक होंगे? हाँ, अंदर से ही। इसमें बस ये बैक साइडिंग का है कि आपको ओके ओकर कर देना है। अच्छा, इसमें बैक कैमरा मिल जाता है क्या सर? बैक कैमरा नहीं, इसके अपन अपर वेरिएंट में है, इसमें सेंसर लगा हुआ है। अच्छा, सेंसर लगा हुआ है। ओके, आप इससे ऊपर वाला वर्जन लेंगे तो आपको इसमें जस्ट इसके ऊपर वाले वर्जन में तो आपको वो मिल जाएगा। तो बाकी यार ये आराम से काफ़ी स्मूथली ये उड़ गई है गाड़ी एकदम, है ना। और आप अगर निशान मैग्नेट ले रहे हैं तो भाई सेफ्टी की बात करें तो आपको 4-स्टार रेटिंग मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही है। काफ़ी अभी तक तो स्मूथ चल रही है। अभी देखते हैं कैसा है इसका लगता है, कोई रेटलिंग का कोई साउंड नहीं अभी। एसी की आपने अभी एक कौन से में करके फुल कर रखी है एसी? नहीं अभी। अच्छा अभी तो अच्छा मीडियम में कर रखा है। बाकी सर और कुछ एक्सपीरियंस आपका गाड़ी के साथ जो भी आप शेयर करना चाहते हैं? अभी तक तो मुझे सारे चीज़ ठीक ही लगा है, मतलब अगर आप मीडियम रेंज में जाएंगे। बाकी हो सका तो मैं ट्राई करूंगा कि अगर 6-7 महीने बाद अगर सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा, क्योंकि यार 20 दिन में कोई किसी इतना पता नहीं चल पाता। बाकी गाड़ी सर को 8 लाख रुपए की पड़ गई है ना ऑन रोड सर? ऑन रोड में आपको 8 लाख की है, ऐसे 7,000 की इसकी वो बेसिक प्राइस है, उसके बाद पे ओके आपको जो भी इंश्योरेंस ये सारे करके आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेज हैं वो लगाने पर, बाकी स्टेट टू स्टेट रजिस्ट्रेशन पे वेरी करते रहेंगे। बाकी मेन चीज थी जैसे हमारी इंडियन मेंटेलिटी होती है कि इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल रहे थे, तो मेन रीजन ये भी था। मुझे बूट स्पेस की जरूरत होती है कि जब लॉन्ग ट्रिप पे जब जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, बूट स्पेस की जरूरत। बूट स्पेस, हाँ बूट स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है। कितने कुछ आइडियल कितने लीटर का होगा? 338 लीटर का बूट। अच्छा, 338 लीटर का। इस वाले वर्जन में आपको ये मिलता है स्टूडियो, इसमें आपको LED स्क्रीन नहीं मिलती। इससे ऊपर वाले में, इसके जस्ट ऊपर वाले वर्जन में आप जाएंगे तो आपको ये सारे चीज आपको सारे वर्जन मिल जाएंगे, जैसे स्टीरियो फिर बैक कैमरा और ये सारे वर्जन आपको इसमें मिल जाएंगे। जस्ट इसके ऊपर में जाएंगे उसके 790 या 800 के करीब उसकी बेसिक प्राइस है 100 रूम। ओके ओके, तो जैसे सर आप एयरफोर्स में जॉब करते हैं तो आपको कुछ इसमें कंसेशन मिला था कि गाड़ी में कुछ प्राइस का? हाँ, मुझे कंसेशन मिला था प्राइस में, जो एग्जिस्ट CST रेट से मैंने गाड़ी उठाई थी। ओके, तो मुझे 60,000 के करीब में इसको अच्छा कंसेशन मिल गया था। मिल गया था। ओके, तो 60,000 इनको थोड़ा कम आ गया था। मिल जाएंगे अभी, लेकिन अभी भी कंपनियां बाहर में भी आप लेंगे तो इसपे है अभी 20-30,000 रुपए अगर आप बाहर में भी लेंगे तो आपको वो लोग डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, अगर आप ऑफर सीजन में ले रहे हैं तो 50,000 तक है। ओके, लास्ट गाड़ियां जब ऑफर में मैंने का खरीदा था तो उसमें 50,000 के करीब का बाहर से ही पैदा होता है, क्योंकि कैंटीन के थ्रू उपलब्ध नहीं थी गाड़ियां। ओके, क्योंकि इसमें सारे वेरिएंट सारे कलर उस समय फीचर नहीं आ रहे थे। ओके ओके, तो भाई यार गाड़ी चलाने में बहुत स्मूथ लगी मेरे को। और बाकी निशान मैग्नेट आप देख रहे हैं तो आप बिल्कुल देखिए, ये था कुछ गाड़ी का मेरा एक्सपीरियंस निशान मैग्नेट का। प्राइस बात हो गई है, एवरेज कितना मिल रहा है आपको? अभी हमें सिटी में चल रहा हूँ तो अभी नया कोई भी हुआ नहीं है तो 15 के करीब में एवरेज, 15 के अप्रोक्सीमेटली आपको सिटी में मिल जाता है। और बाकी आपकी ड्राइविंग कैसी है वो भी डिपेंड करता है, ड्राइविंग अगर आप नए हैं तो वो ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो 15 आपको मैक्सिमम मिल ही जाएगी सिटी में अगर आप बार बार ब्रेक नहीं लेंगे। ओके ओके, बाकी तो
और बाकी सर बात करें निशान मैग्नेट निकाली तो आप बुकिंग टाइम कितना लग रहा है, कितना टाइम में मिल जा रही है? कोई टाइमिंग नहीं है, 6 से 7 दिनों में गाड़ी आ गई थी मेरी बुकिंग। अच्छा, 6 से 7 दिन मतलब ज्यादा वो नहीं, वेटिंग तो बोला था कि 15 डेज के करीब लगेगी, मैं क्योंकि 15 डेज के बाद मुझे लेना था। ओके, तो बोला था सर मैं तो 7 to 8 डेज के बाद अप्रोक्सीमेटली मुझे कॉल आ गई थी कि सर आप गाड़ी चाह सकते हैं तो उठा ले आ गए हैं, आपकी गाड़ी आ गई है। एक्चुअली चेन्नई से आता है। अच्छा, उसमें एक लॉजिस्टिक चार्जेज आपको देने पड़ते हैं जो बाकियों में नहीं देने पड़ते। okay. इसमें लॉजिस्टिक चार्ज देने पड़ते हैं 60, लेकिन उसके जगह पे हमें क्या है कि 2 इयर्स का मतलब फ्री मेंटेनेंस कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं देना है। okay. वो आपको 2 इयर्स में सारे वो खर्चे जितने भी होंगे 2 इयर्स का जो है वो आपको करेगी। जैसे अभी 2 मंथ्स के बाद मेरा पहला सर्विसिंग होगा, उसमें कुछ नहीं देना, उसके बाद फिर इतने मिले। मतलब ये 2 इयर्स तक आपको मेंटेनेंस फ्री है कॉस्ट ऑफ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और 8 दिन का वेटिंग पीरियड है और मतलब आपको 1 महीना भी नहीं मिला है। कलर आप पसंद करेंगे 8 डेज में आपको 7 to 8 डेज नहीं, इवन बहुत से कलर इनके पास होंगे। मुझे ब्लैक लेना था तो ब्लैक की थोड़ी कटी थी, तो उन्होंने चेन्नई से सेम डे में मैंने बुकिंग अमाउंट 11,000 देकर बुकिंग कराया था। 8 डेज में मेरा कॉल आ गया था एग्जैक्टली 8 के 7 डेज में ही कि सर आप गाड़ी ले सकते, लेकिन मुझे 10 दिन बाद और चाहिए था, मैंने डिले करके गाड़ी ली। ओके, तो भाई ये था मेरा निशान मैग्नेट का एक रिव्यू सर, और आप भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका निशान मैग्नेट को लेके क्या कहना है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कुछ आप पूछना चाहें तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो भाई ये है इसका बूट स्पेस। तो भाई जैसा सर ने बताया बूट स्पेस इसमें काफ़ी सही है, तो आराम से इसमें काफ़ी सही सामान आ जाएगा। और 5 जने आगे स्पेस मैंने आपको दिखा दिया, ये पीछे से दिखा देता हूँ, तो 5 लोग आराम से बैठ जाएंगे। तो स्पेसियस गाड़ी है, तो ये है।